देखो, हम लोग पिछले क्लास में स्टार्ट किए थे ये चैप्टर लाइंस एंगल्स एंड ट्रायंगल्स। इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग पढ़े थे मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। तो एंगल को मेजर करते हैं डिग्री में, और 30 डिग्री 90 डिग्री ऐसा ऐसा होता है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स होता है। ये सारा डिस्कस किए थे, और दो एंगल को कैसे ऐड करेंगे वो बताए थे, और टाइप्स ऑफ एंगल बताए थे, जैसे राइट एंगल है 90 डिग्री, अक्यूट एंगल 90, 0 से 90 के बीच में, ऑब्ट्यूस एंगल 90 से 180 के बीच में, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल 180 से 360 के बीच में, कंप्लीट एंगल मतलब 360 डिग्री, ये पढ़े थे। फिर इक्वल एंगल मतलब जिस दो एंगल का मेजरमेंट सेम होगा वो दोनों की इक्वल एंगल बोलेंगे। फिर यहाँ पे था एंगल बाइसेक्टर, तो ये हो गया एंगल बाइसेक्टर। फिर कम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होगा तो वो दोनों को बोलेंगे कि वो दोनों कम्प्लीमेंट्री टू इच अदर है। अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो वो दोनों सप्लीमेंट्री टू इच अदर होगा, ये सब चीज। उसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चंस किए थे हम लोग इस पे, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बाकी है। तो आज का क्वेश्चन नंबर वन, आज का कितना डेट आज है, 3 जून 2020, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द मेजर ऑफ, लिख रहा है ना क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ आदित्य अनीस, नेचर फाइंड द मेजर ऑफ द कंप्लीमेंट ऑफ, फाइंड द मेजर ऑफ द कंप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, कंप्लीमेंट ऑफ एन एंगल 48 डिग्री 36 मिनट 24 सेकेंड्स, इसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है। आदित्य बन जाएगा, ये ऊपर का हाँ डबल बनना तो मतलब चाहिए। ऊपर का डबल मतलब सेकेंड्स होता है नीस, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स होता है। पढ़ाए थे ना, ऊपर नहीं जाना चाहते हैं हम। तुम नहीं था पिछले क्लास में क्या अनीस? नहीं, मतलब नहीं, नहीं उस समय अटेंड नहीं किए थे उस समय तक। ओहो, ये सेकंड से डबल डैश है ना, सेकंड से एक डैश से मिनट है। तो ऊपर देखो, थ्योरी थोड़ा सा हम बताए थे, वहां चलते हैं। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट लिखा हुआ है ना, ये वाला सी मिनट मतलब एक डैश, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स होगा ये यहाँ पे, ठीक इसी तरीके से है। चलो ठीक, इसको बनाना है। आयता बन जाएगा, क्या बोला तुमने सुने हम? देखो हाँ बोलो, एक बार बताइए। हाँ देखो, कंप्लीमेंट, इसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है ना। जैसे कि अगर हम 40 डिग्री का कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं, 40 डिग्री का, तो क्या करेंगे, 90 में से 40 को माइनस करते हैं ना, तो ना 50 आता है। अगर 20 डिग्री कंप्लीमेंट फाइंड करना है तो 90 में से 20 माइनस करते हैं तब ना 70 आता है। तो इसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है तो 90 में से इसको माइनस कर देना है, देख होगा ना। हाँ ऐसे, तो देखो, तो कंप्लीमेंट हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ये 48 डिग्री 36 मिनट 24 सेकेंड्स, ये होगा ना। अब देखो, 90 डिग्री है तो उसको लिखा जाता है, 90 डिग्री को लिखा जाता है 89 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकेंड्स, लिख सकते हैं कि नहीं। और किसको माइनस करेंगे, 48 डिग्री 36 मिनट और 24 सेकेंड्स, इसको माइनस कर दो तो कंप्लीमेंट मिल जाएगा। तो देखो अनिल, ध्यान से समझना, 60 सेकेंड्स है और -24 यहाँ पे सेकेंड्स है। 89 अरे देखो, 89 डिग्री 59 मिनट 60 सेकेंड्स, इसको पूरा को होता है 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री है। जैसे देखो, 60 सेकेंड्स है लिखा हुआ लास्ट में, ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट हो जाएगा। 60 सेकेंड्स है तो तो ये अपने से लेके आना है। हाँ अपने से, जैसे कि मान लो 10 डिग्री है, 10 डिग्री क्या लिखेंगे, 9 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकेंड लिखेंगे ना, ऐसे सब में बांट देना है, ऐसे सब में बांट देना है।
तो वही हो गया, अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 60 सेकंड है और 24 सेकंड है, तो 60 में से 24 चला जाएगा, कितना बचेगा तुम्हारे पास? अनीस, 60 सेकंड में 24 सेकंड चला गया, तुम्हारे पास कितना टाइम बचा? टाइम नहीं, ये वाला एंगल का मेजरमेंट है सेकंड्स में, बोलो जल्दी, तुम्हें सब्ट्रैक्शन क्या करने आता है? 36 सेकंड बचेगा ना, सुना दे रहा है क्या? अच्छा सही में सुना ही नहीं, बेचारा क्या करेगा, कोई बात नहीं अनीस, चलो ये 59 मिनट और 36 मिनट माइनस करो, कितना बचा? 23. हाँ 23 मिनट, और 89 डिग्री माइनस 48 डिग्री कितना बचा? 41 डिग्री, ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 2 आज का। इसके बाद पता है कौन सा एंगल, कौन सा क्वेश्चन देंगे बता दो आदित्य। अरे यहाँ कॉम्प्लीमेंट था, इसके बाद क्या आएगा? सप्लीमेंट आएगा, ये बन जाएगा नानी से वाला, जैसे कम्प्लीमेंट है उसी टाइप से ये सप्लीमेंट है, बस बस इतना सा फर्क है। हाँ 180 होता है ना सप्लीमेंट में, 180 डिग्री है होता है दोनों एंगल का सम, मतलब 180 डिग्री से इसको माइनस कर देना है। देखते हैं बाद में आंसर कौन बताता है, अनीस या आदित्य। आदित्य बोलो आंसर। गलत हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया, 17 सेकंड्स होगा। अफसोस है हमको, अनिल जल्दी करो, हो गया, गुड करते रहना, तब तक हम आदित्य को आगे पढ़ाते हैं। वेरी गुड, बहुत बड़ा काम कर दिया, तुमको पीएम बना देंगे। मिनट कितना आ रहा है? 39। गलत हो गया, 31 होगा। अरे देखो 180 डिग्री में से माइनस करें ना इसको, तब 180 डिग्री को लिखेंगे 179 डिग्री, और 59 मिनट और 60 सेकंड्स ये होता है। हाँ 92 तब, यार बहुत लेट कर दिया तुम, बहुत अच्छा से बताया तुमको हम। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, लिख रहा क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट।
45 डिग्री और 90 डिग्री। सही है, वाह। कैसे? अरे देखो, सबसे पहले बनाते हैं फर्स्ट वाला, एक ऐसा एंगल फाइंड करना जो अपने कंप्लीमेंट का इक्वल होगा। तो लेट द एंगल बी एक्स, वो एंगल एक्स होगा एंड इट्स कंप्लीमेंट, इट्स कंप्लीमेंट हो जाएगा 90 माइनस एक्स, होगा ना। अब दोनों इक्वल है, मतलब x इक्वल टू 90 माइनस एक्स, तो माइनस इधर आ जाएगा, तो x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 45। इतना आसान क्वेश्चन तुम बुरा कैसे, कैसे तुम पढ़ेगा यहाँ, कैसे टिक पाएगा? तुमको तेज बनना है, स्कूल में टॉपर बनना है। अरे तो साउंड आ रहा है ठीक से ना? हाँ जी बिल्कुल। कि ज्यादा आ रहा है? नहीं, जैसा आप बोलते हैं वैसे ही आ रहा है। गुड, यही सुनना चाहते थे हम। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, यानी दूसरा बन जाएगा ना सप्लीमेंट्री वाला। हाँ जल्दी कर, 10-12 सेकंड में। विच इज 36 डिग्री मोर देन, विच इज 36 डिग्री मोर देन इट्स सप्लीमेंट, सॉरी इट्स कॉम्प्लीमेंट। दूसरा 90। हाँ सही है, गुड, वेरी गुड। तुम सीख रहे धीरे धीरे, लेकिन बहुत ज्यादा धीरे है। एक्सेलेरेटर लो, एक्सेलेरेटर। हाँ आदित्य, आंसर बताना। कैसे तुम बोल दिया, यहाँ सर कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। ओ सॉरी, सप्लीमेंट के लिए, आप पहले सप्लीमेंट बोलते हैं उसके लिए बना लिए। नौटंकी तुम कर रहा है, पहले बाद में, तुरंत हम चेंज किए थे। अनिश बन गया क्वेश्चन नंबर 4 बना रहे, थोड़ा बन जाएगा ना। 36 डिग्री मोर है। हाँ कौन बड़ा है, एंगल की उसका कंप्लीमेंट बड़ा है? कंप्लीमेंट। अरे यार तुम लोग यार बड़ा छोटा समझ में नहीं आता है। एन एंगल 63। हाँ सही है, एन एंगल इज 36 डिग्री मोर देन इट्स कंप्लीमेंट, तो कौन बड़ा है? अरे यार, an angle which is 36 degree more than its complement, angle x है, उसका complement होगा 90 minus x, बड़ा कौन है इसमें से? x angle बड़ा है ना, x बड़ा है, यहाँ नहीं लिखा more than, जो बाद में लिखा रहता है वो छोटा होता है, बाद में क्या लिखा हो मोर देन के बाद? कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट छोटा है, एंगल बड़ा है, कितना बड़ा है? 36 से, तो x माइनस, हाँ x में से अगर हम 90 माइनस x माइनस कर देंगे इक्वल टू 36 होगा, किया है से? हाँ वैसे किए, आंसर नहीं कर, जल्दी कर, बहुत तुम टाइम ले रहा है मेरा। हाँ सही है, x equal to 63 आ जाएगा, वही एंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, विच इज 25 डिग्री लेस देन
इट्स सप्लीमेंट। बन जाएगा आज आदित्य? हाँ जी, एक मिनट रुकी है। अच्छा पॉइंट में क्या? हाँ पॉइंट में आ रहा, कितना आ रहा है? 102.5। गलत हो गया, गलत हो गया बाबू। यहाँ देखो 25 डिग्री लेस देन लिखा हुआ है, लेस होगा लेस, ऊपर में था मोर देन। देखो एंगल हो जाएगा एक्स, इसका सप्लीमेंट होगा 180 माइनस एक्स। कौन छोटा है? 180 माइनस एक्स। नहीं यार देखा, अरे जो लेस देन ऊपर देखो बताए थे मोर देन, मोर देन के बाद जो रहता है वो छोटा होता है। जैसे देखो लिखेंगे हम ऐसे कि 5 इज मोर देन 4 बाय 1, ऐसे कुछ। तो मोर देन हुआ है मतलब 5 4 से बड़ा है, यहाँ लेस देन है, लेस देन है मतलब जो एंगल है वो अपना कंप्लीमेंट से कितना लेस है, 25। जो एंगल है वो अपना कंप्लीमेंट से 25 डिग्री लेस है। तो कौन छोटा है कौन बड़ा है? छोटा 180 माइनस एक्स। फिर वही गलती कर रहा है तुमको, छोटा 180 माइनस एक्स बड़ा। तो यार तुमको ये इंग्लिश समझ में नहीं आता, तो बड़ा माइनस छोटा 180 माइनस एक्स माइनस एक्स, बड़ा में से छोटा माइनस कर दें, कितना इक्वल टू लिखेंगे 25। हाँ तो इसको सॉल्व करो बाबू, इसको सॉल्व करो उसी में। तो तुमको इसको सॉल्व नहीं करने आ रहा है? देखो 180 माइनस 2x इक्वल टू 25, तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 25 तो हो जाएगा 155, तो x इक्वल टू आ जाएगा 77.5 डिग्री। आएगा इतना ना आदित्य? आदित्य हाँ, कहीं पे कुछ गड़बड़ कर दिए। क्यों ऐसे हो रहा है? प्लस माइनस कहीं पे गलती कर दी। इतना आसान क्वेश्चन था। अनीस और आदित्य, अनीस और आदित्य, मैथ का अलग अलग कॉपी है ना? मैथ का अलग कॉपी है आदित्य? हाँ ठीक, उसी में होमवर्क बनाना, जो होमवर्क देंगे जो क्लास में करवाएंगे उसी में लिखना है, एक ही कॉपी रखना है मैथ का, मोटा सा कॉपी लेना। और ये नेक्स्ट मंथ से कोचिंग खुल जाएगा। क्यों क्यों? अच्छा जो ऑफलाइन आना चाहेगा ऑफलाइन आएगा, जो ऑनलाइन कंटिन्यू करना चाहेगा ऑनलाइन कंटिन्यू कर सकता है, जिसको घर से निकल कर आने में प्रॉब्लम है। लेकिन पूरा बैच को अच्छा। लेकिन पूरा बैच को सेम करना पड़ेगा। अच्छा गॉट इट। बोले तुमको बोले नहीं समझ में आएगा तुमको, क्वेश्चन नंबर 6 बना।
क्वेश्चन नंबर सिक्स आनिश, आदित्य समझ गया ना? तो क्यों तुम नहीं आना चाहता है क्या? नहीं यहाँ ज्यादा सही है, आराम से रहो घर पे। वही तो यार, इसलिए ये ऑनलाइन ऑनलाइन चीज जो बना, जो लेजी लोग है ना वो लोग के लिए ही बना है। उतना कौन करेगा यार, आधा घंटा पहले निकलो क्लास से, घर से जाओ, फिर क्लास खत्म होगा, फिर 15 मिनट में पहुंचो घर, फिर हरासमेंट होता है, उतना माथा मारे क्या? लेकिन टेस्ट देने के लिए आना पड़ेगा, या फिर जो होमवर्क देंगे वो चेक कराना पड़ेगा, बहुत सारा चीज, वो तो बुलाएंगे तो जरूर कभी ना कभी, ऐसा थोड़ी कंप्लीटली घर में बैठेगा, बार बार आके मिलते रहना पड़ेगा। अरे नहीं मॉर्निंग वाले किसी टेस्ट की है तो वैसे ले लीजिएगा। नहीं ना, देखते हैं सोचते हैं जैसा होता है, ऐसे तो टेस्ट में तो घर बैठे तो लोग टेस्ट देता, अच्छा टेस्ट देता नहीं है, बोलते गूगल सर्च कर लेते हैं। आपको बताए कि कोई कोई लोग ऐसा भी कर सकता है। अच्छा तो उसमें तुम आ जाता है, लेकिन नहीं हम पास है। फिर भी 100% मार्क्स नहीं लाया, अफसोस है उनको। कोई चीटिंग नहीं की इसलिए ना। हाँ तो पढ़ाए थे इतना अच्छा से, तुमको 100% मार्क्स लाना चाहिए ना। चलो इसका आंसर बताओ, नहीं इस क्वेश्चन नंबर 6 का कैसे बने वो ही नहीं आता। अरे यार, 4 times its complement an angle, 4 times its complement, 4 times मतलब अपने complement का 4 गुना है कोई एंगल। जैसे कि एंगल मान लो कि x है, लेट द एंगल बी x डिग्री एंड इट्स कम्प्लीमेंट बी 90 - x डिग्री। तो अब देखो क्वेश्चन समझना है और समझना है, बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। एन एंगल, द एंगल विच इज 4 times इट्स कम्प्लीमेंट, एन एंगल विच इज 4 times इट्स कम्प्लीमेंट, कौन बड़ा है? 4 times कौन बड़ा है, एंगल कि उसका कम्प्लीमेंट? एंगल। हाँ एंगल बड़ा है, कितना बड़ा है? 4 times है ना, तो एंगल इक्वल टू लिख दो 4 × 90 - x, 4 × 90 - x, ऐसे। जो एंगल बड़ा है और ये छोटा है, जो छोटा है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना बड़ा इक्वल होगा, ऐसे सोचना है। कितना आंसर आया था? आंसर बता देते हैं। 72। हाँ सही है। तो देख लो आयता, ये सब तुमको क्लास 8 के लास्ट तक समझ में नहीं आ रहा था, अब तुमको समझ में आने लगा है। ऐसा था क्या? हाँ तुम बोला सर इसे हमको पढ़ाई नहीं है, ऐसा सब दे रहे थे क्लास, वो लोग जो बच्चा था डेमो करने आया था 8 के लिए। आंसर 180 है। अरे यार कहीं तुमको सॉल्व भी नहीं करने आता है क्या? हाँ बीच में क्वेश्चन लिख रहे थे टोक दिया। देखो x डिग्री 4 × 90 ये 360 हो जाएगा, और माइनस 4x, 4 को इंटू नहीं करेंगे x से क्या? तो गजब, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताना आदित्य। हाँ वो तो 6 का आंसर है। हाँ 7 का आंसर बताओ फटाफट। अब हमसे मत बनवाना 7 नंबर। सही है।
क्वेश्चन नंबर एट, अभी अनीश सेवन वहीं अटका हुआ है। हाँ सही है, 150 आंसर आ जाएगा सेवन का। एट बनाओ फटाफट, जल्दी जल्दी, बहुत सारा क्वेश्चन करवाना है, 15 क्वेश्चन टच करना है आज। ये कैसे करेंगे? अरे यार उसका सप्लीमेंट फाइंड करो, उसका कंप्लीमेंट फाइंड करो, आप इक्वेशन बना दो जैसा लिखा हुआ, फोर टाइम्स दोनों का। नहीं यार देखना, फोर टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट, जो सप्लीमेंट है वो फोर टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट लिखा हुआ है। पहले कंप्लीमेंट निकालेंगे उसके बाद सप्लीमेंट, जैसे भी निकालो कोई भी दिक्कत नहीं है, जैसे क्वेश्चन लिखा रहता है उसके हिसाब से निकाला जाता है। क्वेश्चन लिखा हुआ पहले सप्लीमेंट, तो पहले सप्लीमेंट निकालो। सप्लीमेंट का जो आंसर आएगा उसको कॉम्प्लीमेंट के साथ निकालना। हाँ कॉम्प्लीमेंट को फोर टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना, अच्छा वो सप्लीमेंट का इक्वल आ जाएगा। ऐसे तो सप्लीमेंट कितना होगा, 180 माइनस एक्स। कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 90 माइनस एक्स। जो सप्लीमेंट है वो फोर टाइम्स इट्स कम्प्लीमेंट है, तो कम्प्लीमेंट को फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही इक्वेशन आ गया है। इसको सॉल्व करना है और आंसर 60 डिग्री सही है। ये सब आसान आसान क्वेश्चन है अनीस, लेकिन तुम्हारे चलते हमको करवाना पड़ रहा बहुत ज्यादा क्वेश्चन कि तुम सीखेगा। ये वाला नहीं निकलेगा। अरे यार तुम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं सॉल्व किया है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, क्या बात कर रहा है, मतलब एक्स वाला टर्म तुमको सॉल्व नहीं करने आता है, ये सब कैसे बता पाएंगे हम बाबू, ये सब कैसे बताएंगे, पूरा बना के दिखाएंगे। हाँ तो यहाँ तक सही है ना, यहाँ तक लेट द एंगल बी एक्स डिग्री, उसका सप्लीमेंट होगा 180 माइनस एक्स डिग्री, फिर उसका कम्प्लीमेंट होगा 90 माइनस एक्स डिग्री, ऐसे लिख देना है। अब लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 180 माइनस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 4 इंटू 90 माइनस एक्स डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री इज 4 टाइम्स इट्स कम्प्लीमेंट, ऐसा लिखा हुआ है, सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इट्स कम्प्लीमेंट, ऐसा लिखा हुआ था, इक्वेशन लिख दिया ऐसा। अब यहाँ सॉल्व कर देना है, 180 माइनस एक्स इक्वल टू 4 इंटू 90, 360 माइनस 4x, अब माइनस 4x इधर आ जाएगा, माइनस 4x इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 4x माइनस x, और 360 माइनस 180, ऐसा तो 4x माइनस x होगा 3x, और 360 माइनस 180 x इक्वल टू आ जाएगा 60। बनवा दिया ना हमसे, खुद से नहीं बनाएगा तो नहीं सीखेगा कभी अनीस, अफसोस रहेगा लेकिन हमको जिंदगी भर। नहीं यार अभी 5 बजे तक। क्वेश्चन नंबर 9, उतना जिंदगी में फालतू का टाइम नहीं मेरे पास। फाइंड द मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल इफ, अब ध्यान से देखना, इफ अभी तो छाप ही रहा होगा 8 नंबर, क्या ध्यान से देखेगा, इफ 7 टाइम्स इट्स कम्प्लीमेंट, इफ 7 टाइम्स इट्स कम्प्लीमेंट इज 10 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, ऐसे। चलो फटाफट, अब ये सवाल पूछना नहीं, ऐसा क्वेश्चन करवा दिए हैं लास्ट क्लास में।
इक्वेशन क्या लिखेंगे ना, इस इक्वेशन लेट द एंगल बी x, ठीक, उसका कॉम्प्लीमेंट कितना 90 माइनस x डिग्री, ठीक, फिर सप्लीमेंट 180 माइनस x, 180 माइनस, रुक रुक क्यों बोलता है, हाँ अब इक्वेशन बताओ क्या इक्वेशन आया, 25 डिग्री आ रहा है, हाँ मेरा तो उतना ही आ रहा है, कैसे ऐसे हो सकता है, सही है लेकिन, अच्छा देखो 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है ना, 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है ना, हाँ, और 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, तो 3 × 180 माइनस एक्स, अब कौन बड़ा है कौन छोटा है, 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 10 डिग्री लेस देन, तो कौन छोटा है, कॉम्प्लीमेंट, हाँ कॉम्प्लीमेंट छोटा है ना, लेस देन है, किससे लेस देन है, सप्लीमेंट से, तो ये जो चीज है ये वाला छोटा हो गया स्मॉलर इससे, तो जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला को माइनस कर देंगे, इक्वल टू कितना लिख देना है 10 डिग्री, क्योंकि 10 डिग्री लेस है ना, इसीलिए इक्वेशन लिखेंगे 3 × 180 माइनस एक्स माइनस 7 × 90 माइनस एक्स इक्वल टू 10, ऐसे ये इक्वेशन हो गया, बड़ा माइनस छोटा इक्वल टू 10 डिग्री, क्या कर दिया तुम यार, इसको सॉल्व तो कर सकता है ना, हम सोचे कि मतलब बिजली कड़कता है ना वैसा, फिर कोई बात नहीं, बना रहा है अनिश, हाँ जल्दी कर जल्दी, उतना टाइम मेरे पास नहीं फालतू का, अब देखो इसके बाद का क्या क्या टॉपिक है ये बताते हैं, इसके बाद टॉपिक है एडजेसेंट एंगल्स, नया टॉपिक अगले क्लास बताइएगा, नहीं ना अभी बहुत टाइम बचा हुआ है, ये टॉपिक खत्म भी हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल्स, देखो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है ये बताने जा रहे हैं, घबराना नहीं, कौन सा कलर यूज करें समझ नहीं आ रहा, यही कलर ठीक है, चलो रेड लेते हैं, रेड ठीक चलेगा ना, नहीं दिखेगा, तो एडजेसेंट एंगल ठीक, देखो घर पर ले लीजिए ना, देखो ये कोई एंगल है यानी समझना ध्यान से, तो ये जो एंगल है इस पॉइंट को बोलेंगे, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, वर्टेक्स, ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं वर्टेक्स, और ये दोनों जो लाइन है ना रे, इसको बोलेंगे आर्म, एंगल का ये दोनों हो गया आर्म, ये हो गया वर्टेक्स, और उसके बाद यहाँ पे एक और आर्म है, एक और आर्म है, तो यहाँ पे कितना एंगल बन गया, दो एंगल बना ना, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, दो एंगल बना, तो ये दोनों एंगल में एक आर्म कॉमन हो गया, ये बीच वाला, ठीक, तो ये दोनों एंगल को बोलेंगे एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट में मतलब बगल में जो सटा हुआ है ना, एडजेसेंट मतलब इसका एडजेसेंट का इंग्लिश मीनिंग पता है ना, एडजेसेंट मतलब जो बगल में है उसके ठीक बगल में एडजेसेंट, तो ये दोनों एंगल को बोलेंगे एडजेसेंट एंगल, अब एडजेसेंट एंगल के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, वन कॉमन आर्म होना चाहिए जो है ये बीच वाला, फिर वन कॉमन हैव ए कॉमन वर्टेक्स, सेम वर्टेक्स होना चाहिए ठीक है, सेम वर्टेक्स है ही ना आदित्य, साउंड नहीं जा रहा क्या आदित्य, साउंड जा रहा है, अरे यार देखना यार, वन कॉमन आर्म फिर दूसरा सेम वर्टेक्स, थर्ड में क्या है, जो आर्म कॉमन नहीं है
वो कॉमन आर्म का आइदर साइड में होगा। जैसे ये वाला आर्म कॉमन नहीं है, तो ये दोनों कॉमन आर्म का आइदर साइड में, मतलब एक इस साइड है तो एक दूसरा साइड होगा ऐसे, ठीक है। ये हो गया थर्ड में। क्यों सेम वर्ड ये सारे वर्ड क्यों आवाज नहीं जा रहा था क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम था। अरे यार इतना दोबारा बकना पड़ेगा। कॉमन सेम वर्टेक्स होना चाहिए, ये जो वर्टेक्स है ना पॉइंट, ये दोनों में सेम वर्टेक्स है, और दोनों एंगल के लिए ये जो बीच वाला आर्म है कॉमन आर्म है, ये जो बीच वाला आर्म है ये इस एंगल के लिए भी काम कर रहा है और इस एंगल के लिए भी काम कर रहा है ऐसा। यही चीजें बताएं, कॉमन आर्म और सेम वर्टेक्स, यही मेन इंपॉर्टेंट है। ये हो गया एडजेसेंट एंगल, ठीक। नेक्स्ट लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है? जैसे स्ट्रेट लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन मतलब किसी पॉइंट पर कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा ना, जिसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। इसी में अगर एक और आर्म बन जाए तो यहाँ पे देखो दो वो एंगल बन गया, दोनों एक दूसरे का एडजेसेंट एंगल है, एक ये एंगल और एक ये एंगल। सर, बोलो वो एडजेसेंट एंगल का थर्ड पॉइंट नहीं लिखे, और थर्ड पॉइंट हम बोल दिए हैं कि जो अच्छा देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड, और फिर इसको दो मिनट लगेगा छापने में अनिस को, ऐसे। अब यहाँ देखो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में एक स्ट्रेट लाइन होगा और इसमें एक और रे होगा जिससे एडजेसेंट एंगल बन रहा होगा, और वो दोनों एडजेसेंट एंगल का सम होगा 180 डिग्री, तब इसको बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। समझ गया अनिस? नहीं, नहीं? बहुत दिक्कत है यार, दोबारा बोलना पड़ेगा फिर आपको। साउंड नहीं आ रहा ठीक से, नेटवर्क बार बार चल जा रहा। अरे तो टावर लगवा लो यार घर के सामने, ठीक ना? ठीक है, छत पे ही लगा लेंगे। दो तीन फीट का कोई रॉड होगा ना, सामने में गाड़ दो, उससे तार जोड़ के मोबाइल में लगा लो। देखो यहाँ पे मान लो अल्फा है और ये बीटा है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है कि नहीं अनिस? अल्फा बीटा क्या है? एंगल अल्फा बीटा ले सकते हैं। चलो मान लो ए भी लीजिए ना। हाँ अगर मान लो ये नहीं पच रहा है, चलो ए भी लेते हैं, ठीक। देखो अनिस ये दोनों एडजेसेंट एंगल है कि नहीं? होगा, है ना? हाँ। और ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल है, इसका सम कितना है? 180 डिग्री होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना ये नीचे वाला। तो जब दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो उसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, दैट्स इट। मतलब यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। बोलो ना। हाँ गुड, ऐसे ही बोलते रहेगा तब ना। नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, पता होगा तुमको आदित्य? नहीं यार, उसको तो कंप्लीट एंगल बोलते हैं, पता नहीं तुम कौन स्कूल से पढ़ा है, तुमको बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ा दिया है। देखो एक लाइन ये है और ये हो गया दूसरा लाइन, ठीक। तो इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक। जैसे यहाँ लिख देते हैं एंगल ए, यहाँ लिखते हैं एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल बी आर, एंगल ए एंड एंगल बी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ऐसे वी ओ ए ऐसे लिख दो शॉर्ट में, उतना कौन लिखेगा, टाइम नहीं है। एंगल ए एंड एंगल बी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, समझा नहीं? तो ऊपर में अगर ये एंगल लेते हैं और ये एंगल लेते हैं सी और डी, तो क्या ये भी वर्टिकली अपोजिट होगा कि नहीं? ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अरे हॉरिजॉन्टल से बातें नहीं है, वर्टिकली अपोजिट। तो एंगल सी और एंगल डी भी वर्टिकली अपोजिट होगा, ठीक। एंगल सी एंड एंगल डी आर
वर्टिकली अपोजिट, समझ गया अनिश? हाँ वो हंस दिया इसलिए तुम हाँ बोल दिया, नहीं तो तुम भी समझा नहीं हो। वैसे नाम चेंज करना चाहिए था लेकिन जो भी बनाया। अरे बाप बहुत बड़ा बात तुम कर दिया, नाम कैसे चेंज करना चाहिए? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं, वर्टिकली अपोजिट मतलब अपोजिट होना चाहिए, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है ना इस टाइप का अपोजिट एंगल को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट, हॉरिजॉन्टल से मतलब नहीं है इसको। अफसोस हमको रहेगा लेकिन। अब देखो क्वेश्चन करवा रहे हैं, स्टूपिड बात नहीं करना इसमें, 5 मिनट बाकी है, क्या ही करवा लीजिएगा। एक क्वेश्चन करवा लेंगे जिसका नाम हो जाए क्वेश्चन नंबर 10 शायद होगा ना। हाँ क्वेश्चन नंबर 10। ओके देखो तो यहाँ पे दो एंगल दिया हुआ है, एक एंगल है 3x + 5 डिग्री, दूसरा एंगल है 2x - 25 डिग्री, ठीक। और यहाँ पे ए है, ये पॉइंट ओ हो जाएगा और ये बी है। अब देखो क्वेश्चन देते हैं, इफ ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, जल्दी छापो नीस, इफ ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है तो एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, बन जाएगा ना तुमसे? ठीक अनीस, समझ में आ रहा कैसे बनेगा? नहीं। देखो ऊपर हम लिखवाए अभी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स लिखवाए है ना, इसमें एंगल ए है और एंगल बी है तो दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री होगा। हाँ वही तो करना है, वही तो लीनियर पेयर ही दिख रहा है ना, स्ट्रेट लाइन है तो नहीं दिख रहा क्या? हाँ अब हो जाए। देखा मतलब थ्योरी पढ़ा के तुमको नहीं समझ में आने वाला जब तक क्वेश्चन नहीं करवाते हैं, अभी पढ़ाए हैं हमेशा ये करना। 40 डिग्री इज द राइट आंसर। तो देखो 2x बाय बाय, नहीं यार 2x माइनस 25 डिग्री प्लस 3x प्लस 5 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे आया यहाँ लिखना पड़ेगा रीजन, अच्छा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ये लिखना पड़ेगा तब ये लिखेंगे इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करो जल्दी से, x का वैल्यू बता दो अनीस। अनीस बन गया? हाँ एक मिनट, एक मिनट टाइम कहाँ है यार तुम जो एक मिनट बोल रहा है। 32 कैसे बनाता है यार, फिर लिखना पड़ेगा हमको, यहाँ क्वेश्चन दे रहे थे हम। देखो 2x - 25 + 3x + 5 = 180, तो 2x + 3x कितना हो जाएगा 5x, और बाकी सबको राइट साइड ले जाओ 180 20 + 25 - 5 नहीं होगा क्या? 5x = 200, x = 40 आ जाएगा। अफसोस है यार, अफसोस है तुमको पढ़ा के, अफसोस है। ये 10th टू लास्ट क्वेश्चन था ना? नहीं यार, कौन बोला तुमको? आप बोले थे। नहीं हम बोले 15 क्वेश्चन, तो अभी 11 हुआ, 11 में खत्म करना पड़ेगा क्योंकि थ्योरी पढ़ा दिए हैं। ये ए है, ये ओ है, ये बी है। इफ ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन समझ गया नहीं? इस क्वेश्चन नंबर 11 नहीं, देख लो जल्दी करो, तुम तो यह स्लो चलते हैं। हाँ एक्स का वैल्यू फाइंड करना, बस इतनी सी बात, इसमें समझना क्या था? इतना स्लो चलेगा तो कैसे होगा? कितना आ रहा है एक्स का वैल्यू? यहाँ रीजन क्या लिखेंगे आदित्य? आदित्य रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे? वही जो पिछला में लिखे थे, पिछला में लीनियर पेयर लिखे थे, लीनियर पेयर, जबकि दो एंगल था तो पेयर, यहाँ तीन एंगल है तो पेयर लिखे हैं क्या? एंगल्स नहीं ना। नहीं ना।
नहीं यार, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल तीनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा, क्योंकि स्ट्रेट एंगल ये वाला है x प्लस 65 प्लस 2x माइनस 20 इक्वल टू 180। क्यों स्ट्रेट एंगल ऐसे? या फिर AOB जो स्ट्रेट लाइन है इसे बोल देंगे, कुछ भी ऐसा। जल्दी x का वैल्यू बताओ फटाफट, कितना? 45। हाँ, x का वैल्यू 45 आगे सही है। तो भाई मैं थोड़ा सा इसको बनाने दो, क्लास है, बैच है ना, साथ में जाना चाहिए। हो गया अनीस? बना रहे। तुम तो यार बनाते रहता है ना, स्लो चलता है ना। अच्छा स्लो चलता है इसलिए तुम 9 में है, हो सकता है तुम 12th में होगा, होता अगर स्पीड चलता तो। नहीं उतना बुरा दिन नहीं है। अच्छा मतलब 12th में होना बुरा दिन है। हो गया सॉल्व? कैसे होगा? अरे यार लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल तुमको सॉल्व ही नहीं करने आता है। x प्लस 2x 3x हो जाएगा। यहाँ पे मेरा आ रहा है x डिग्री प्लस 130x माइनस 1300। कहाँ से 1300 आ गया? उसी को सिंपलीफाई कर दिया। यहाँ बीच में प्लस है, 65 प्लस है, तुम इसको इनटू मान के 65 को 2 से इनटू कर दिया। गॉड क्या बोले तुमको हम यार, कुछ नहीं बोल सकते हम। 2x माइनस 20 इक्वल टू 180। अब ये भी सॉल्व करवाएगा तुम हमको, 2x प्लस 3x हो गया, बाकी सब को राइट साइड ले जाओ। 180 माइनस 65 प्लस 20, 200 माइनस 65 135, 45 आंसर। ठीक चलो बाय बाय, जा सकता है।